Exercise 24. Let's continue with question number 7. Draw the diagram. Question number 6. 6 was a? I guess 6 nahi hua. Rhombus. Rhombus wala. Theek hai. Question number 7. फिगर ड्रॉ करना जरूरी है बिकॉज हमें यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, तो इसलिए हमें फिगर ड्रॉ करना जरूरी है. वैल्यूज ध्यान से लिखना. एंगल्स को अलग लिखना और साइड्स के वैल्यू को अलग. Yeah, draw your diagram. See, I hope you remember what we did in the last class. We had to identify which trigonometric ratio should we use to find the missing value. Which trigonometric ratio should we use to find the missing value? ठीक है. जैसे for example, see the first triangle here, ये वाला. ये जो triangle दिख रहा है यहाँ पे, ये पहला triangle. Now in this triangle, you know the angle. And you know one side, see 45 है हमारे पास एंगल और 45 के सामने ये 20 साइड है. दो चीजें हमें पता है. तो क्या आप इस ट्राइंगल में ये थर्ड साइड फाइंड कर सकते हो? एसी. सी हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे? फाइंड ए बी करना है. क्या करना है? ए बी. ए बी मतलब ये पूरी साइड, ये पूरी ए बी है ना. ठीक है, पूरा ए बी करने के लिए ये तीनों पार्ट्स मुझे पता होने चाहिए. तो वन बाय वन हम एक एक पार्ट ढूंढेंगे. ठीक है, तो आप लोग ये ट्राइंगल जो यूज करके, ए एफ सी वाला ट्राइंगल यूज करके ए सी ढूंढ सकते हो. ठीक है, देखो ये 45 है, 45 के सामने परपेंडिकुलर 20, ये 20 परपेंडिकुलर होगा और ये ए सी क्या होगा? बेस होगा. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेसिस, तो टैन से आप ए सी फाइंड कर सकते हो. सिमिलरली सुन लो, पहले ये वाला ट्राइंगल भी कर सकते हो आप, इसमें आप बी डी फाइंड कर सकते हो सेम तरीके से. चलो स्टार्ट करो इन दोनों से.
यहाँ पे 1045 तो 1 होता है, ठीक है, तो 20 अपॉन एसी आएगा, एसी क्या मिला 20 मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे 1060 की वैल्यू होती है रूट 3, परपेंडिकुलर इज 30 अपॉन डीबी, ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डीबी इज 30 अपॉन रूट 3। देखो 30 अपॉन रूट 3 आता है तो आप ऐसे मत करो 30 अपॉन 1.732 और उसको डिवाइड करोगे, ऐसे नहीं करते, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर डेसिमल होगा तो डिवीजन इजी नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपको हमेशा डिनोमिनेटर पहले रैशनलाइज कर देना है, ठीक है। तो इसको हम रैशनलाइज कर देंगे रूट 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 30 रूट 3 अपॉन 3, और फिर ये कैंसिल होगा, आपको आंसर आएगा 10 रूट 3, ठीक है। तो ये मिल गया मुझे 10 रूट 3। हाँ हाँ वो लास्ट, हाँ ठीक है, अभी करना है तो अभी कर देना, तो लास्ट में कर देना, ठीक है। और एसी क्या मिला है 20, दो चीजें तो मिल गया, क्या बचा है सिर्फ, क्या बचा है सिर्फ सीडी बचा है, ठीक है। अब सीडी के लिए ये जो बीच में आपको फिगर दिख रहा है, क्या ये ट्रायंगल है? ये जो फिगर है सी डी ई एफ ये क्वाड्रिलैटरल है, हमें ट्रायंगल चाहिए सॉल्व करने के लिए, ट्रायंगल होगा तो ही हम कर पाएंगे ना, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, तो हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे, वी विल डू सम कंस्ट्रक्शन जिससे ट्रायंगल फॉर्म हो, ओके। देखो इन्होंने क्वेश्चन में आपको एक एंगल दिया हुआ है, ये 60 एंगल दिया हुआ है, इसका यूज होगा, तो इस 60 एंगल से आपको हिंट मिलेगी कि आपको ट्रायंगल कैसे बनाना है। तो आप यहाँ पे लिखो ड्रॉ ए बी सी डी ई एफ, ड्रॉ एफ जी परपेंडिकुलर टू डी ई, मतलब एफ से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनेगा डी ई पे, ड्रॉ एफ जी परपेंडिकुलर टू डी ई, ये परपेंडिकुलर बना है। ये किया, अब देखो इसको मैंने जी नाम दिया यहाँ पे, ठीक है। अब समझो बात को, ये जो फिगर है एफ सी डी जी, एफ सी डी जी ये फिगर क्या हो गया, कोई स्पेशल फिगर बना ये? तो फिगर एफ सी डी जी इज अ रेक्टेंगल हो गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया, करेक्ट। अगर ये रेक्टेंगल है तो देखो ये 20 है और ये पूरा 30 है, ठीक है, तो ये भी 20 हुआ, ये इतना छोटा पार्ट, ये 20 है और पूरा 30 है, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूं कि डी जी जो है वो 20 है और डी ई जो है वो 30 है, बरोबर। तो आपको जी ई मिल जाएगा, क्या है 10 मिल जाएगा जी ई, सो जी ई विल बी 30 माइनस 20 दैट इज 10, समझ रहे हैं मैंने क्या फाइंड किया, ये जो मैं रेड से लिखता हूं यहाँ पे सो दैट डिफरेंशिएट होगा, ये 10 सेंटीमीटर मिला मुझे, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, इसमें आपको 10 सेंटीमीटर मिला हुआ है और 60 पता है, तो क्या आप एफ जी ढूंढ सकते हो, फाइंड करो एफ जी,
What is the answer? 70. See, you will do tan 60 equals FG upon GE. Root 3, that is FG upon 10. So FG is 10 root 3. अब FG अगर 10 root 3 है तो CD भी 10 root 3 होगा. ठीक है. और टोटल क्या होगा? Yes. ये तीनों को ऐड करेंगे तो 20 plus 10 root 3 plus 10 root 3. हाँ, लास्ट में करेंगे ना, कर लेंगे ना. 20 plus 20 root 3. अब मल्टीप्लाई कर देना वैल्यू. क्या आएगा फाइनल आंसर? क्या आया? 54.64. ठीक है, 54.64 आपका फाइनल आंसर होगा. ओके, ठीक है. नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. हाँ, जो भी यूनिट क्वेश्चन में यूनिट नहीं है तो कुछ मत करो, कुछ मत लिखो. यूनिट नहीं आएगा कुछ. यूनिट कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिट क्वेश्चन में भी नहीं दिया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते. डायग्राम बनाओ. क्या हो गया? तो कोई और ट्राई करते. 70 पर क्या दिया है? 8 में क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में दिया है एडी इक्वल्स डीसी इक्वल्स बीसी. आपके पास जाएगा एडी इक्वल्स डीसी इक्वल्स बीसी. ठीक है, क्या करूँ? माइनस 81 को टी एन की जगह पे रखो, एन फाइंड करो, एन फाइंड. देखो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, एडी इक्वल्स डीसी इक्वल्स बीसी. तो मतलब ये तीनों 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है और डीसी भी 20 है. ठीक है, तो ये एक ट्रेपेजियम तो है, ट्रेपेजियम है. प्लस बिकॉज एडी और बीसी इक्वल है, इट इज अ आइसोसेलिस ट्रेपेजियम. आइसोसेलिस ट्रेपेजियम मतलब जिसके साइड के दोनों, ये दोनों साइड्स इक्वल होते हैं, उसे हम आइसोसेलिस ट्रेपेजियम कहते हैं. ठीक है, यहां पे भी मुझे क्या फाइंड करना है? AB फाइंड करना है, लेंथ ऑफ AB. तो लेंथ ऑफ AB फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे D से और C से, और इसको हम कुछ नाम दे देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप P और Q दे सकते हो. और लिखना है यहाँ पे ड्रॉ DP एंड CQ परपेंडिकुलर टू AB. परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होगा ये.
ठीक है। अब आपको एक और चीज लिखनी है, एंगल ए इक्वल्स एंगल बी। आइसोसेलिस ट्रेपेजियम है इसीलिए उनके बेस एंगल सेम होते हैं, सो दिस एंगल विल आल्सो बी 60 डिग्रीज। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है जो जो ऑब्जर्वेशन है वो बता रहा हूं मैं आपको। डी पी क्यू सी इज अ रेक्टेंगल, डी पी क्यू सी रेक्टेंगल होगा। रीजन लिखो, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। नहीं ये मत लिखो, एक मिनट, ऑपोजिट साइड्स आर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड एंगल्स आर 90। ठीक है, इतना करने से सम इजी हो गया अभी हमारा। अब आगे का पार्ट बहुत सिंपल है। कैसे, अगर ये रेक्टेंगल है तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पी क्यू इक्वल्स डी सी एंड देयरफॉर पी क्यू इज 20। ये ट्राइंगल आप सॉल्व कर सकते हो और एपी फाइंड कर सकते हो, वैसे ही ये ट्राइंगल सॉल्व करो और डी क्यू फाइंड करो। ठीक है, ये ट्राइंगल सॉल्व करके एपी मिलेगा और ये वाला ट्राइंगल सॉल्व करके बी क्यू मिलेगा। ठीक है, ये दोनों चीज फाइंड करो, पी क्यू आपके पास ऑलरेडी है, तीनों को ऐड करेंगे तो ए बी मिलेगा। ए बी फाइंड करो यहाँ पे, ये दस भी क्या कैन एनी टर्म ऑफ द सीरीज, नहीं अगर आप अच्छे से कर रहे हो कोई टेंशन नहीं, 19 काम तो आगे चलो, पीछे का करते रहेंगे तो सेकंड वाले। क्या मिला आंसर? एपी, एपी की वैल्यू क्या मिली आपको? 10√3 की 10। आपको कॉस यूज करना पड़ेगा, कॉस, हाँ सेक तो करिए, कॉस यूज करना होगा बिकॉज ये आपका बेस बनेगा, ये बेस है और 20 हाइपो है। ठीक है, तो आप करोगे कॉस 60 इक्वल्स बेस अपॉन हाइपो,
आंसर सेम आएगा, ठीक है? आगे जान, आगे cos 60 क्या होता है? हाफ, और बेस क्या है? नहीं पता, हाइपो 20 है, तो 20 अपॉन 2 इक्वल्स एपी, एपी 10 आएगा। और अगर एपी 10 आया तो बी क्यू भी 10 आएगा, बी क्यू भी सेम ही है ना, बी क्यू 10 आएगा। BQ भी आपको 10 आएगा बिकॉज सेम है, और फिर तीनों को ऐड करो टू फाइंड AB, ऐड AB प्लस BQ प्लस BQ, ठीक है? एंड क्वेश्चन नंबर 9 आपको खुद से करना है अभी, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। कंप्लीट द 8th वन फर्स्ट एंड देन टू द 9th वन। अच्छा वेट, 9th स्टार्ट करने के पहले देयर इज सेकंड पार्ट आल्सो इन क्वेश्चन नंबर 8, उसमें आपको डिस्टेंस बिटवीन एबी एंड सीडी फाइंड करना है। डिस्टेंस बिटवीन एबी एंड सीडी मतलब वो इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये डिस्टेंस, तो मतलब बेसिकली आपको डीपी फाइंड करना है, डीपी, समझ रहे हैं? डिस्टेंस बिटवीन, ये डिस्टेंस बिटवीन डीसी एंड एबी मतलब ये डिस्टेंस होता है, ठीक है? तो आपको डीपी फाइंड करना है, डीपी फाइंड कर सकते हो ना ये ट्रायंगल में, पाइथागोरस भी कर सकते हो या नॉर्मली आप यहाँ पे साइन 60 या टैन 60 से भी कर सकते हो। साइन 60 ले लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, एथ का सेकेंड पार्ट कंप्लीट करो इसको, एथ के सेकेंड पार्ट को, डीपी मिलेगा आपको इससे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करना है आपको।
नाइन्थ वन आया, जिनको नहीं आ रहा एक बार देख लो। देखो ये वाले ट्रायंगल के लिए आपने tan यूज किया होगा, tan 30, तो 10 अपॉन एपी आया होगा आपको, tan 30 इज 1 अपॉन रूट 3, तो एपी आया होगा 10 रूट 3, करेक्ट। और ये वाले ट्रायंगल के लिए tan 45, इसमें एंगल ऊपर है तो ये परपेंडिकुलर बनेगा आपका, ये परपेंडिकुलर बनेगा, सो पीबी अपॉन 8, तो 1 इज इक्वल टू पीबी अपॉन 8, तो PB is 8, ठीक है। टोटल पूछा है क्या? 10 root 3 plus 8, तो ये होगा 17.32 plus 8, यूनिट दिया है ना, 8 के साथ दिया है, देखो यूनिट सेंटीमीटर आएगा। Come to question number 10. एंगल उन्होंने दिया है और एंगल से आपको हिंट मिलेगा कि आपको कौन से ट्राइंगल्स को सॉल्व करना है, ठीक है। दिस इज 30, सबसे पहले लिखो डी सी बी ई इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर डी ई इक्वल्स बी सी। BC की वैल्यू कितनी है? 30 है, अगर BC 30 है तो ये भी 30 होगा, करेक्ट, ये भी 30 होगा। अब इसके हेल्प से ये 30 आपको मिल गया, आप ऊपर वाले ट्रायंगल से AE ढूंढ सकते हो और नीचे वाले ट्रायंगल से BE ढूंढ सकते हो और दोनों को ऐड करना है, करो, दोनों में tan यूज होगा।
क्या मिल रहा है? पहले आपने tan 45 किया होगा, परपेंडिकुलर आपको 30, ए मिल गया 30, फिर आपने tan 60 किया होगा, आपको 30√3 मिला, 30√3 की वैल्यू मिलेगी आपको, और फिर आप ए बी के लिए ए और बी को ऐड करोगे, 30+30√3 की जो भी आंसर आ रहा है, करो फटाफट।
क्वेश्चन नंबर 11, ड्रॉ द डायग्राम, ड्रॉ करो डायग्राम. सिर्फ एक ही एक एक वैल्यू दी है आपको, बीसी 2 सेंटीमीटर, ठीक है, बीसी 2 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है. एडी एंड बीसी, ओके, एडी इज आल्सो 2 सेंटीमीटर, ठीक है. हमें ढूंढना क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एबी, एसी और एई, तीन पार्ट्स है डिफरेंट. ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आपको ए बी ढूंढना है, ठीक है. ए बी ढूंढना है मतलब आप अगर डी सी ढूंढ लिया तो ए बी मिल जाएगा, सेम है दोनों, क्योंकि रेक्टेंगल है. यहाँ पे 90 बना देता हूँ. हाइपो से मत करो, देखो ये है ना, ये ट्राइंगल बन रहा है अच्छे से. 45 पता है, 2 सेंटीमीटर पता है, तो डी सी ढूंढ लो. इन ट्राइंगल ए डी सी लिखो, क्या यूज करोगे, टैन यूज करोगे ना. इसी इक्वल जे बी लिखोगे तो लिखना ब्रैकेट में रेक्टेंगल. फिर सेकेंड में आपको एसी ढूंढना है. एसी भी इजीली ढूंढ सकते हो. सेकेंड के लिए क्या करोगे, साइन यूज कर लो. साइन 45 परपेंडिकुलर अपॉन,
वन अपॉन रूट टू इक्वल्स टू अपॉन डीसी, नहीं डीसी नहीं सॉरी एसी, वैल्यू भी फाइंड कर देना डेसिमल में। टू पॉइंट एट थ्री आ रहा है। फिर बोला है AE, AE भी आप ढूंढ सकते हो ये वाले ट्रायंगल से, ढूंढो AE ऑन योर ओन। एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ये मैंने रैशनलाइज किया यहाँ पे, तो बस अभी इसको 4 इंटू 1.732 करो और अपॉन 3 करो, आ जाएगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12 12th सिंपल सम है, कंप्लीट करो फटाफट। ए बी आपको दिया है 16 और फुल बीसी की पूरी वैल्यू आपको दी है 23, ठीक है। अब इससे क्या करो, पहले आप ये वाला ट्राइंगल सॉल्व करो, ये वाला, और इसमें बीई फाइंड करो, बीई फाइंड करो, इसमें यूज करो रेशियो अपने हिसाब से और बीई फाइंड करो, आंसर मत बोलो, खुद से सॉल्व करो, बीई फाइंड करो पहले, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। हाँ, ये आपका फर्स्ट पार्ट होता है, फिर बीई फाइंड करो, फिर आप लिखोगे ईसी इज नथिंग बट बीसी माइनस बी। क्या यूज किया? cos 60 यूज करेंगे। क्या मिला ए बी? एंगल ई क्यों चाहिए? 90 है ना वो तो। B8 मिला। अब आपको AC फाइंड करना है, ठीक है। अब AC फाइंड करने के लिए आपके पास कोई एंगल भी नहीं है, ना ही आपको एंगल A की कुछ यहाँ पे कुछ वैल्यू दी है, या ना ही ये वैल्यू दी है, तो आपको पाइथागोरस से करना पड़ेगा। पहले आप, हाँ, EC मिल जाएगा, बट एंगल नहीं पता है ना, आप AE भी ढूंढो, AE, और पाइथागोरस से AC ढूंढना। ठीक है, इसी तो एक मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसी कैसे मिलेगा? 23 माइनस 8 15 मिलेगा। फिर आप AE भी फाइंड करो, AE मिलेगा आपको tan 60 से। हाँ भाई, साइन tan भी तो कर सकते हैं, 8 मिल चुका है ना बेस, कुछ भी कर सकते हैं, साइन tan जो भी। क्या मिल रहा है? AE 8√3 मिला। अब आपको A, हाँ नहीं अभी मत करो, पहले पाइथागोरस करना है ना। 8√3 मिला और ये 15 मिला, अभी इन दोनों से आपको AC मिलेगा पाइथागोरस से। बहुत आवाज कर रहे हो,
अब ये 417 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। आपने एथ स्टैंडर्ड में सीखा है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उनका। सी रूट्स फाइंड करना है आपको। देखो यहाँ पे जल्दी कैसे करते हैं। पहले हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं, 2 2 4, ठीक है, ये जीरो मिला, 17 विल कम डाउन। यहाँ पे फिर इन दोनों नंबर्स को आप ऐड करते हो, 2 + 2 = 4, और फिर यहाँ पे एक डैश आएगा। यहाँ पे आपको एक नंबर गेस करना है, जो नंबर आप गेस करोगे वही नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। समझो आपने 1 लिया तो 41 × 1, तो आपके पास 17 है, इससे छोटा होना चाहिए ना नंबर, तो 41 × 1 = 41 हो रहा है। इससे बड़ा कोई भी नंबर लोगे तो वो नहीं चलेगा, तो इसलिए आपको जीरो लेना पड़ेगा पहले। यहाँ पे जीरो लोगे तो 40 × 0 will give you, 40 × 0 will give you 0, तो नीचे वापस 17 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट पुट करते हैं तो आपको दो जीरोस ऐड करने होते हैं, दो जीरो ऐड होता है, पता है स्क्वायर रूट्स में दो दो जीरो ऐड होते हैं हमेशा। फिर ये 40 + 0 will give you 40 और डैश। अब फिर से एक नंबर सोचो यहाँ पे जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 4 = 16 होता है ना, तो 4 ले लो यहाँ पे, 404 × 4 = 16, ऐसा आएगा। तो 4 1 6 1 6 है ना, राइट है ना, 1 6 1 6, तो ये 84 बचेगा। ठीक है, आई गेस बस हो गया, एक डेसिमल तक ही करो। एक और डेसिमल तक कर दो बिकॉज उन्होंने किया है क्वेश्चन में भी, तो ये होगा 408 - तो 2 आएगा यहाँ पे, 8 1 6 4 कर लो इतना, तो ये पूरा प्रॉपर आपका आंसर आ गया, AC is 20.4। और कुछ ढूंढना है सामने, ये लास्ट था ना, कॉपी कर लो फटाफट, दैट्स इट फॉर टुडे। That's it for today.